ऐसे 10 स्थान जहां आपको चुप रहना चाहिए, मुंह नहीं खोलना चाहिए। बौद्ध परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये कहानी सुनाया जाता रहा है, तो वही कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। हमें भी हमारे गुरुओं ने, जब हम बौद्ध धर्म में रह करके ध्यान की शिक्षा ले रहे थे, तब इस कहानी को सुनाया था। ये कहानी स्वयं भगवान बुद्धा ने अपने शिष्यों को सुनाया था, मतलब कि ये कहानी नहीं, ये जीवन का एक ज्ञान है जो दिया था कि ऐसे 10 स्थान में जहाँ चुप रहना चाहिए, जहाँ नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ को अगर आप सीख गए तो आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, आपके जीवन बेहद खूबसूरत हो जाएगा। जीवन के बहुत सारे, तकरीबन सारे कलेश खत्म हो जाएंगे सिर्फ ये जानने से कि कहाँ नहीं बोलना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि अधिक बारिश से भी मामला खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, या अधिक धूप से भी फसल खराब हो जाती है। वैसे ही अधिक बोल देने से या बिल्कुल चुप हो जाने से मामला खराब हो जाता है। तो इस संबंध में आज इस कहानी से आपको समझ में आएगा। नमस्ते जी, मैं हूँ मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। तो हम यहाँ हील करना सीखते हैं लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज। पहला स्थान जहाँ आपको चुप होना चाहिए वो है जहाँ आपके पास तथ्य नहीं है, बिना तथ्य के मत बोलो। जहाँ आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, मुंह मत खोलिए, चुप रहिए, शांति से सुनिए। चार लोग बोल के किसी एक संबंध में बात कर रहे हैं, किसी एक विषय में बात कर रहे हैं, वहाँ पे आपके ब्रेन सेल्स डेवलप ही होंगे, क्योंकि आप चुप होकर के सुन रहे हो, मतलब नई जानकारी को ग्रहण कर रहे हो। तो वो जगह ऐसा है जहाँ आपको चुप होना चाहिए। बिना तथ्य की अगर बात करोगे तो हो सकता है आपके सम्मान की वजह से लोग आपको सुन भी लें, लेकिन आपके जानने के बाद आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। तो जहाँ तथ्य नहीं है वहाँ चुप रहो। दूसरा, आपके शब्द से किसी के को मानसिक ठेस ना पहुँचे, स्पेशली आपसे जो छोटे लोग हैं, आपसे कद में, आपसे सामर्थ्य में, आपसे समृद्धि में, किसी भी पद में अगर कोई छोटा है तो उसे कोई ऐसा टॉन्ट ना मार दे, कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे उन्हें मानसिक ठेस पहुँचे। तो ऐसे समय पे बिल्कुल चुप होना चाहिए। अगर कोई दूसरा भी अगर उसके बारे में कुछ ऐसा बोल के उसकी हंसी उड़ा रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, चुप रहो, मत बोलो। आप किसी छोटे का को ठेस पहुंचाकर बड़े नहीं बन सकते, अपितु आप उसकी सहायता करके, उसका साथ दे करके, उसके साथ खड़े होकर उसकी नज़रों में सम्मान प्राप्त कर सकते हो। तो अगर ये नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना मुंह में ताला लगा के रखो कि उन्हें ठेस ना पहुंचे। तीसरा समय जब आपको चुप होना चाहिए, जब आप क्रोध में हो या आपके अपने या आपके आसपास का कोई इंसान जिसे आप जानते हो, मानते हो, वो आप पर क्रोध कर रहा हो, क्योंकि क्रोध के समय उसकी बुद्धि क्षीण हो चुकी है। उस समय अगर आपने उनसे कुछ भी कहा तो बात बिगड़ जाएगी। अगर आपने अपना तथ्य रखने की कोशिश की या अगर आपने क्रोध कर दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो अपने क्रोध के समय भी चुप होने का प्रयास करें और दूसरे के क्रोध के समय भी चुप हो जाएं। अगर गलती आपकी नहीं है तो क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप सारी बातों को सुन लें। जब सब मामला शांत हो जाए तो उनको भी रियलाइज़ हो जाएगा, उनको भी एहसास हो जाएगा कि गलती आपकी नहीं थी, और ना हो तो सब अच्छा होने के बाद हम बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय शांत रहे। कहानी जो गुरु सुनाते हैं इस मामले में, कि एक सांप था जो जंगल से भागते हुए राजा के घर में घुस गया। लोगों ने देखा और सांप को छेड़ने लगे, उसको परेशान करने लगे, उसको भगाने के लिए। सांप को बहुत गुस्सा आया, सांप को इतना गुस्सा आया कि वो तलवार से लिपट गया और तलवार को कसने लगा, और तलवार को कसने की वजह से थोड़ी देर में वो खुना खुन हो गया और मारा गया। क्रोध भी ऐसा ही है, अनजाने में ही हम क्रोध को करके एक सांप की तरह अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। क्रोध से किसी और को नहीं, खुद को ही नुकसान होता है। क्रोध को कब कैसे करना है ये आपके नियंत्रण में होना चाहिए। क्रोध को, ये नहीं कि क्रोध आपको आ गया, क्रोध आपने किया, प्रॉपर क्रोध को बनाया है इसलिए गया है ताकि उसको सही तरीके से आप करके उसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर सके। इस पर मैंने एक बहुत अच्छी कहानी पहले भी सुना रखी। चौथी जगह जहाँ आपको चुप रहना चाहिए, किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध नहीं है, चुप रहो। दो लोगों के बीच में कोई विवाद हो रहा है, किसी बात का झगड़ा हो रहा है, आपका उससे कोई संबंध नहीं है,
चुप रहो, बिना बुलाए, बिना कहे, बिना बुलाए, बिना किसी के आग्रह की, अगर आप जा करके उस झगड़े में अपना योगदान दे रहे हो, उस विवाद में अपना योगदान दे रहे हो, गलत है। इससे आपका सम्मान ही खत्म होगा। जिसके पक्ष से भी आप बोल रहे हो, दूसरे पक्ष के वाले के सामने आपका सम्मान गिरेगा और वो आपको भी अपने आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा बोल देगा जिससे आपको बुरा लगेगा। तो बिना किसी के मुद्दे को जाने हुए या फिर किसी के मुद्दे में पड़ो ही मत। हाँ, अगर उनमें से कोई आपको झगड़े को शांत करने के लिए बुला रहा है, आदरपूर्वक बुला रहा है, तो वहाँ जाइए, लेकिन निष्पक्ष होकर ही बोलिए। ऐसा नहीं जिसके जो बुला रहा है उसके प्रति आपने पक्षपात कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अपना सम्मान हमेशा बचा कर रखें, चुप रहें। ऐसे वाक्य कभी ना बोलें जिससे आपके अपनों को हानि हो रही हो, उनके सम्मान को कोई हानि हो रही हो। कभी कभी हम मजाक में ही ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जिससे हमें हमारे अपनों को हानि हो रही होती है, उनके सम्मान को हानि हो रही होती है, और ऐसे में हमारे संबंध उनसे ख़राब होते हैं। तो सोच समझ के बोलें। कभी भी ऐसा ना बोल दें कि यहाँ का खाना कितना अच्छा बना हुआ है, हमारे यहाँ मिसेस तो खाना बनाना जानती नहीं, उसका तो खाने का स्वाद ही नहीं रहता। समझ रहे हो ना, बहुत नाजुक सी बात है लेकिन बहुत खतरनाक हो सकती है। छठवीं जगह, जब कहीं कोई किसी की बुराई कर रहा हो, जब बुराई कोई कर रहा हो, मत रहो वहाँ पे, मत सुनो, मत बोलो, कुछ मत बोलो, हो सके तो उठ के चले जाओ। लेकिन अगर बैठना ही पड़ रहा है जब कोई किसी की बुराई कर रहा है, मत करो बुराई, गलती से भी मुँह मत खोलो, क्योंकि जो आपके सामने किसी और की बुराई कर रहा है वो आपकी भी बुराई कर सकता है। सातवां, जब कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, अगर आप किसी के सामने अपनी बातों को कहना चाह रहे हो, अपने दुख को कहना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, और सामने वाले को उससे कोई परवाह नहीं हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं रख रहा है, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है या इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, चुप हो जाओ, अपना सम्मान खराब मत करो, चुप हो जाओ। आठवां, ठीक इसके विपरीत, जब कोई इंसान आपको अपना दुख बता रहा है, कोई अपनी बात कहना चाह रहा है, कोई अपना मन हल्का करना चाह रहा है, चुप रहो। वो आपसे सलाह नहीं मांग रहा, वो आपसे कोई भी सोल्यूशन नहीं चाहता, वो आपके सामने सिर्फ हल्का हो रहा है, वो अपना मन हल्का करना चाह रहा है। तो उसको चुपचाप गौर से सुनो, उसको ये फील कराओ कि आप उसको सुन रहे हो, क्योंकि आपके सुनने मात्र से उसको ये लगेगा कि आप उसे समझ रहे हो, उसको इतना ही चाहिए। नौवा, जब दुष्ट लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, या वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, या कहीं पर भी खाली खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं, किसी वजह से वो गुस्से में और गाली गलौज कर रहे हैं, मत बोलो कुछ। दुष्ट लोगों की हरकतों को शांत करने की कोशिश में वो आपको भी को भी वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा कि वो किसी और के साथ कर रहे हैं, चुप रहो। अगर वो मुंह से ही बकवास कर रहे हैं, चुप रहो, जब वो शांत हो जाएंगे तो भले समझा लेना, लेकिन अभी चुप रहो, नहीं तो आपका सम्मान खराब होगा। दसवां और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी सफलता के बाद चुप रहो, चुप रहो, हल्ला मत करो कि आप कैसे सफल हुए। कुछ लोग अभी अभी सफलता प्राप्त किए रहते हैं और हल्ला करना शुरू कर देते हैं, ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं अपनी सफलता के चक्कर में। वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कोई असफल इंसान जिसने अभी तक सफलता प्राप्त नहीं करी है या सफलता के प्रोसेस में, उसको वो बुरा लगा देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके तक आने लग जाती है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी सफलता से जलने लग जाते हैं, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। तो सफलता के बाद चुप रहें, हल्ला ना करें, ना ही मुंह से, ना ही अपनी हरकतों से, ना ही अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो ये 10 जगह हैं जहां आपको बिल्कुल चुप होना चाहिए। गुरुओं का ज्ञान है, प्राचीन समय से सिखाते आ रहे हैं, आज भी उतना ही कारगर है। तो इसके अपनाइए और सीखिए कि कैसे चुप रहना चाहिए। और बोलने की कला तो हम सबको आती है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते। नहीं है, चुपचाप सारी बातों को सुन ले, जब सब मामला शांत हो जाए तो उनको भी रियलाइज हो जाएगा, उनको भी एहसास हो जाएगा कि गलती आपकी नहीं थी, और ना हो तो सब अच्छा होने के बाद